सेंट्री नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई वसंत विहार के कुली कैंप में। आपको बता दें कि आरकेपुरम विधानसभा की विधायिका प्रमिला धीरज टोकस पहुंची थी इसका उद्घाटन करने के लिए। और आपको बता दें कि वसंत विहार वार्ड के 6 जगहों पर जो क्लस्टर एरिया हैं, उन 6 जगहों पर जितने भी शौचालय हैं उनके अंदर ये सेंट्री नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है वो लगाई गई, जिससे कि महिलाओं को निःशुल्क सेंट्री नैपकिन पैड मिल सकेगा। और आपको बता दें कि समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक जैन के द्वारा इस कार्य को कराया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की विधायिका प्रमिला धीरज टोकस ने शिरकत करी और इसको आज से शुरू किया गया, जिससे कि महिलाओं को निःशुल्क सेंट्री नैपकिन पैड मिल सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत विहार के कुली कैंप की, जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। सैनिटरी पैड का उद्घाटन है, यहाँ पे मशीन लगाई है जो हमारी महिलाएं हैं जो आर्थिक तौर पे जो पैसों के अभाव में जो अभी भी आज के ज़माने में भी जो कपड़ा यूज करती है, जो हमारे क्लस्टर हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, खासकर मैं उनकी बात, ये मैंने मुद्दा भी उठाया था अपने हाउस में कि हमारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो नैपकिन का खर्चा ना उठा के वो कपड़े को यूज करती है। और जब हम इस महामारी में कपड़े का यूज करते हैं तो उससे काफ़ी बीमारी होती है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कपड़ा जो यूज करते हैं उसको धो के भी दोबारा यूज करते हैं। बड़े दुखद मुझे लगता है, एक मैं महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा। तो हमने ये आज सैनिटरी मशीन लगाई यहाँ पे कि जो कोई भी मेरी माताएं बहनें कपड़े का यूज ना करे, नैपकिन का यूज करे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को ऐसी बीमारी हो जाती है जो वो खुल के उनका किसी के सामने बता भी नहीं पाती हैं। तो आज हमने उसी का उद्घाटन हमने किया है, और ये यहाँ पे नहीं है, श्री राम कैंप में भी है, भंवर सिंह कैंप में भी है, शिवा कैंप में भी है, 6 ऐसे कैंप हैं जिसमें आज ये मशीनों का उद्घाटन है। तो ये हमारे अभिषेक जैन जी है, जिसकी ये सोशल वर्कर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं इनको भी लगता होगा कि भाई ये हमें ये शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरत की देन है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और अपनी हिस्सेदारी डाली कि हमारी भी माताएं बहनें हैं, उनको कोई भी बीमारी ना हो और वो आज के बाद कपड़े का यूज ना। आप महिला हैं, अच्छी बात है, अपने लोगों के दुख दर्द को समझा महिलाओं की, लेकिन इतना जोरी चीज़ है, आप 5 साल विधायक रही, आपको याद नहीं आया, 6ठे साल में आपको याद आ रही है, क्यों इतना लेट क्यों किया आपने? देखिए, महिला जब मेरे पास ये शिकायत आई तभी मैंने ये मुद्दा भी उठाया, इससे पहले मेरे पास ऐसी कोई शिकायतें नहीं थी। मुझे लगता था कि भी अब इस दौर में तो ऐसी परेशानी नहीं होगी महिलाओं को। जब मेरे सामने आई तो हमने वो काम किया, और मैंने ये मुद्दा हाउस में भी उठाया, सरकार के सामने भी रखा कि भी जो भी हमारी, मैंने ये नहीं कहा कि हमारी विधानसभा, हमारी पूरी दिल्ली की जितनी भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं उसमें सभी में नैपकिन पैड लगाए जाए, ताकि हमारी किसी भी महिलाओं को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, आर्थिक तौर पर कमज़ोर जो वर्ग है उनको कपड़े का नहीं नैपकिन का यूज करे, इसलिए हमने ये शुरुआत किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने मुद्दा परसों ही उठाया और आज अभिषेक जैन जी ने ये कार्यक्रम रखा आज, तो मुझे बड़ी खुशी है। और तो मैं संस्था द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है, तो क्या दिल्ली सरकार और जगह कराई चाहिए थी? देखिए, अभी ये मुद्दा उठाया है, अभी हमारे सामने आया, तो हमने ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे ज़रूर काम करेगी, क्योंकि सरकार, हमारी सरकार महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोच रही है, हमारी माताएं बहनें बेटियों के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पे भी कुछ ना कुछ उस पे एक्शन लेंगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। औरतों को हर रोज की जरूरत नहीं होती, वो महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनको जरूरत होती है, और किसी दिन कोई आके बांटने जरूरी नहीं है, हर औरत को उस दिन जरूरत है। इसलिए हमने इसका एक हल निकाला और हमने ये सोचा कि क्यों ना एक फ्री सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगा दिया जाए महिला की साइड शौचालय में। इससे क्या होगा कि महिलाओं को जब जब जरूरत होगी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ फायदा इसका कि जागरूकता फैलेगी, जब वो देखेंगे यहाँ पे तो वो अपने आप समझेंगे भी और अपनी बच्चियों को भी यही चीज़ समझाएंगे, और साथ में उनको कहीं आने जाने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा और पुरुषों से शर्माने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फिर यहीं पे आके लेके जा सकते हैं, उनको कोई पुरुषों को पता हो ना पता हो उनका काम हो जाएगा। कितने आप लोगों ने कई जगह सैनिटरी पैड मशीन लगाई है शौचालय में, और उसको डिस्पोज करने के लिए भी मशीन लगाई है। हाँ जी, तो क्या आप लोग इसके लिए भी सोच रहे हैं कि डिस्पोज करने की मशीन लगाने के लिए भी सोच रहे हैं?
इंसिनरेटर उसे कहते हैं जो डिस्पोज करने की मशीन होती है, मुझे पता है। दरअसल अभी हाल ही में दो तीन जगहों पे जहाँ पे एमसीबी ने लगाए हैं इंसिनरेटर्स, वहाँ पे दो तीन घटनाएं भी घटी हैं और मशीन वो जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए हम उसके ऊपर भी सोच विचार करेंगे। लेकिन जलाने से पहले ज़रूरी है पहुँचाना, और उनको ज़रूरत जब हो तब उनको ये दिलवाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छा। हमने शुरुआत पहले इससे। अभिषेक जी, आपके आरकेपुरम विधानसभा में कितनी जगहों पर ये आप लोगों ने मशीन जो है सेंटिनोकिन पैड की लगवाई है? आरकेपुरम विधानसभा में वसंत विहार वार्ड में हमने 6 जगहों पे ये मशीनें लगाई हैं, और 6 के 6 क्लस्टर्स में हमने लगाई हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो और इस सुविधा का लाभ उठा सके। दिल्ली सरकार का इसमें क्या योगदान है? जी, मैं खुद आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं संगठन मंत्री हूं वसंत विहार वार्ड का, और कहीं ना कहीं मेरी विधायक जो है उनका हाथ था मेरे ऊपर, तभी मैं ये चीज़ें कर पाया और उनके आशीर्वाद से हम ये ऐसे काम कर पाए हैं और आगे भी और करते रहे। ये आर्थिक सहयोग क्या दिल्ली सरकार के द्वारा उसमें दिया गया है, कुछ सहायता दी गई है? नहीं, ये हमने अपनी तरफ से लगाया है, आर्थिक व्यवस्था सब हमने अपनी तरफ से करी है, और ये तो जी देखो समाज सेवा का काम होता है, इसमें कहीं आर्थिक व्यवस्था कहीं से भी आए हमें तो मतलब है समाज की सेवा होता है। तो दिल्ली सरकार से मांग करेंगे कि दिल्ली में और जगह दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया जाए? हाँ, हम ये मांग जरूर रखेंगे, और हमारी खुद की विधायक ने दरअसल हाउस में ये मांग रखी भी थी कि जितने भी शौचालय हैं उन सब में महिलाओं के लिए ये फ्री सैनिटरी पैड्स की मशीनें लगाई जानी चाहिए। ठीक है।